रविवार को महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए। इसके साथ ही प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी इस पर मोहर लगा दी। उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजीत पवार नए वित्त मंत्री हैं और एनसीपी के एक अनिल देशमुख गृह मंत्री होंगे। शिवसेना के आदित्य ठाकरे पर्यावरण और पर्यटन मंत्री, एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्री होंगे। वहीं कांग्रेस के बाला साहेब थोराट नए राजस्व मंत्री होंगे। वहीं शिवसेना के कई दिग्गज नेता विभाग के बंटवारे से खुश नहीं है। महाराष्ट्र में लंबी खींचतान के बाद उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन शिवसेना के भीतर घमासान अभी भी जारी है। शिवसेना के कई दिग्गज नेता विभाग के बंटवारे से खुश नहीं हैं। शिवसेना के कई नेताओं का मानना है कि उन्हें कम ओहदे वाले विभाग मिले हैं, जबकि अच्छे विभाग एनसीपी और कांग्रेस के पास चले गए हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, एनसीपी के अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट को राजस्व और अशोक चौहान को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया है, जबकि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य को पर्यटन और पर्यावरण विभाग मिला है। मुझे पर्यटन एवं पर्यावरण विभाग दिया गया है। हम पर्यटन से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। मैं कल की बैठक के बाद ऑफिस का चार्ज लूंगा। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मलाईदार विभागों को लेकर झगड़े के कारण ही विभागों के बंटवारे में करीब एक हफ्ते का वक्त लग गया, लेकिन शिवसेना के नेता अब इस मलाल में हैं कि मलाईदार विभाग एनसीपी और कांग्रेस की झोली में चले गए। उद्धव सरकार में चल रही इस खींचतान के बाद विरोधियों को भी बैठे बिठाए निशाना साधने का मौका मिल गया। ये सरकार टिकने वाली नहीं है, ये अनैसर्गिक सरकार है, ये अपने बोझ से खुद होकर डूबेगी और समाप्त होगी, ये निश्चित है। उधर शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार ने इस्तीफे की खबरों पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सत्तार के इस्तीफे की खबरों को अफवाह करार दिया गया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसे निभाऊंगा। मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मंत्रालय जो दिया गया है सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका मैं सम्मान करता हूं, और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी शिवसेना का एक शिवसैनिक के नाते से उसको सारी तरह से जिम्मेदार से जिम्मेदारी संभालने का काम करूंगा। दरअसल बताया जा रहा है कि अब्दुल सत्तार को राज्य मंत्री बनाए जाने से शिवसेना के कई नेता खफा थे, जिसके बाद अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की खबर आई थी। लेकिन अब अब्दुल सत्तार के खंडन के बाद शिवसेना के खेमे में खींचतान और बढ़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।